हमारे पंचायत में 20 साल से लोग हैं, कोई विकास नहीं हुआ है, न नाला है, न नाली है, न पेयजल शुद्ध मिलता है, न पानी की जात होती है, न माटी की जात होती है और न रोटी की जात होती है। जहाँ इंसान बसते हैं वहाँ सिर्फ इंसान की बात होती है। आपके पंचायत में क्या स्थिति है नल जल को? हमारे पंचायत में पूरा फेल है, कहीं पानी नहीं है तो कहीं पाइप फूट गया है, तो कहीं काम नहीं हुआ है, तो कहीं अधूरा बाकी है। सरकार बिहार सरकार के नल जल ना फेल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएचओ न्यूज़, मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं घोड़ासहन उत्तरी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी हैं विश्वनाथ राय जी। दरअसल आपको बता दें कि घोड़ासहन प्रखंड में पंचायत का जो चुनाव है तीसरे चरण में होना है, यानी 8 अक्टूबर को होना है। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से लगातार ये अपनी पूरी जान को फूंक चुके हैं इस चुनाव में, इस बार पंचायत की जनता क्या इन्हें मौका देने वाली है या क्या कुछ होने वाला है। आज विभिन्न मुद्दों पर डॉक्टर विश्वनाथ राय जी से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पहले आप मीडिया वाले लोग के मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरे पंचायत में हर दुख सुख के लिए आप देखने आए हैं। हमारे पंचायत में 20 साल से लोग हैं, कोई विकास नहीं हुआ है, न नाला है, न नाली है, न पेयजल शुद्ध मिलता है। इंदिरावास में काफ़ी लोग मनमानी करता है, शौचालय में लोग मनमानी करता है। ये सब देखते हुए हम सोचे कि कम से कम पंचायत चुनाव हो रहा है तो कम से कम मुखिया पद जनता हमको स्वीकार करेगा तो अच्छा ढंग से भ्रष्टाचार को मिटा दूंगा और सब जनता के दुख सुख में मैं रहता हूँ। जनता हमको बहुत लार दुलार प्यार देते हैं। यहाँ न नाली है, न पानी के निकासी है, बहुत से ऐसे कमी है कि यहाँ जनता के अखरता है। अब जनता मालिक है, जनता हमको दो टर्म से बहुत ज़्यादा माना तो दो टर्म पैक्स में जीते, अब पंचायत चुनाव मुखिया पद पर लड़ रहे हैं। अब जनता मालिक है, अब जनता जो कहेंगे वो उसका निर्माण करूंगा। अगर यहाँ की जनता आपको मौका देती है तो इस जल जमाव को आप कैसे दूर करेंगे? पहले मैं यहाँ से डैम वाला नाला नदी में डैम बनवाऊंगा। यहाँ से छठ झंडा घाट होते हुए हमारा उत्तरी पंचायत लास्ट पड़ता है पीपल के पेल, वहाँ तक ले के बाद सब नाला के दोहरीकरण करके व्यवस्था करूँगा और सब जल जमाव समाप्त होगा। अगर रोड बनेगा अच्छा, नल जल पानी की व्यवस्था करूँगा, आवास अच्छा ढंग से लोग के दिवाऊंगा, कोई घुसखोरी नहीं लगेगा। आपने बताया कि हमारे पंचायत में भ्रष्टाचार काफ़ी चरम सीमा पे है, अगर जनता आपको मौका देती है तो भ्रष्टाचार पे आप सर्वप्रथम अंकुश कैसे लगाने वाले हैं? इसलिए कि मेरे पंचायत में हर वार्ड में आम सभा लगाकर उसको सब जनता के बीच इस बात के जागरूक रख के सब अफसर के बुलाकर जो लाभुक है उसको लाभ मिलेगा, ढंग से मिलेगा। आपने कहा कि 20 वर्षों में हमारे पंचायत में कुछ विकास नहीं हुआ, तो आखिर जनता मौका क्यों दे रही, क्या वजह है? वजह है कि लोग भ्रष्ट हिसाब से लोग तंग हो गया है, ये हिसाब से लोग चुनने के लिए तैयारी है कि नया नवयुवक मुखिया रहेगा तो हमारा काम धाम सही ढंग से होगा। इस चुनाव में भी आप लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा मिला, क्या लगता है इस बार? बहुत अच्छा लोग रिस्पॉन्स है, ये अच्छा हमको मौका घेना ही आपको इस बार बदलाव होगा। हाँ, एकदम निश्चित बदलाव होगा। अगर जनता आपको मौका देती है तो विकास के प्रति आपके दिमाग में क्या क्या ख्याल है? यहाँ पहले नाली बनवाऊंगा, लाइटिंग यहाँ व्यवस्था नहीं है, लाइटिंग बनवाऊंगा, सब सुविधाएं जो है हॉस्पिटल व्यवस्था होगा, शिक्षा पर सुधार व्यवस्था होगा, तो शिक्षा जो बहुत यहाँ शिक्षा बहुत कमी है उस सब पर व्यवस्था होगा। अंकुश लगेगा कि ढंग से व्यवस्था हो, पंचायत अच्छा पंचायत बने। आपके पंचायत में क्या स्थिति है नल जल को? हमारे पंचायत में पूरा फेल है, कहीं पानी नहीं है तो कहीं पाइप फूट गया है, तो कहीं काम नहीं हुआ है, तो कहीं अधूरा बाकी है। सरकार बिहार सरकार के नल जल ना फेल है। तो आप जनता मौका देती है तो इसमें आप क्या क्या सुधार? फिर उसे सुधार करूँगा, ढंग से व्यवस्था करूँगा, पानी की व्यवस्था लाऊँगा और उसको ढंग से व्यवस्था करके उसका पेयजल के उपाय करूंगा, जनता पिएंगे पानी। युवाओं के हित में आप क्या कुछ करने वाले? युवाओं के तो लेबर कार्ड नरेगा से जो लेबर कार्ड की व्यवस्था है, हाँ लेबर कार्ड की व्यवस्था करूंगा,
लेबर कार्ड के व्यवस्था करके उसको जॉब कार्ड के हिसाब से उसको व्यवस्था करके खोल दें, जॉब कार्ड के व्यवस्था करके सब गरीब तबका के लोग हैं उसको जॉब कार्ड से उसको काम दिलवाऊंगा। अब सबसे बेहतर प्रत्याशी मुझे कोई नज़र आ रहे हैं तो है डॉक्टर विश्वनाथ कुमार यादव जी। तो आखिर आप सबसे बेहतर क्यों देख रहे हैं, क्या वजह है इनकी? जी बिल्कुल, मैं इस बात के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। सबसे बेहतर इसलिए मैं देख रहा हूँ क्योंकि ये कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण जो प्रवासी मजदूर जो प्रदेश से आ रहे थे उस टाइम यहाँ का जो प्रेजेंट मुखिया जी थे उनका मैं नज़ारा देखा, उनके बोलने का नज़ारा देखा, उनके तौर तरीकों को देखा हूँ। तमाम पंचायत में नेता है लेकिन ऐसे नेता आपको नहीं मिलेंगे। हालांकि सच को बताना, सच को कहना एक इंसानियत सबसे बड़ा होता है। कहा गया है न पानी की जात होती है, न माटी की जात होती है और न रोटी की जात होती है। जहाँ इंसान बसते हैं वहाँ सिर्फ इंसान की बात होती है।